सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। सो दोस्तों, आज मैंने परचेस किया है BSNL का नया सिम, जो कि दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं BSNL 5G रेडी, यानी कि दोस्तों अब BSNL का भी 5G नेटवर्क आ चुका है। लेकिन दोस्तों ये तो मुझे पता नहीं है किस किस गांव में ये नेटवर्क उपलब्ध है 5G, और दोस्तों ये सिम मैंने परचेस किया है नया। और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ये सिम मैं अपने मोबाइल के अंदर डालने वाला हूँ, और दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी नेटवर्क स्पीड, ये किस तरह की स्पीड देती है, कितने GB का नेटवर्क देता है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको सब क्लियर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं BSNL 5G, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छा सिम लग रहा है। और दोस्तों ये तो आपको पता है जियो, एयरटेल, वोडाफोन, यानी कि दोस्तों इन्होंने क्या किया है, पिछले महीने में 3 जुलाई 2024 को इनके नेटवर्क, यानी कि दोस्तों इनका रिचार्ज बढ़ चुका है, जो कि दोस्तों 1.5 GB का रिचार्ज होता था 239 का, अब दोस्तों यही रिचार्ज होता है हमारा 299 रुपये में। तो दोस्तों ये रिचार्ज अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और दोस्तों BSNL एक ऐसा सिम है जिसके अंदर दोस्तों काफ़ी सस्ता रिचार्ज प्लान है। और दोस्तों ये लोगों को पता नहीं है कि इसके अंदर नेटवर्क कैसा चलता है, ये लोग सिम लेते हैं या फिर नहीं लेते हैं वो तो दोस्तों पता नहीं है। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस सिम में नेटवर्क किस स्पीड से चलता है और दोस्तों ये नेटवर्क कितना देता है। तो चलिए गाइस फटाफट से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए गाइस इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने मोबाइल के अंदर ये सिम डाल देता हूँ, जो कि दोस्तों आपके सामने मैं डायरेक्ट डालने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अपने मोबाइल के अंदर अभी सिम डाल रहा हूँ, वो भी दोस्तों BSNL। ये दोस्तों एक गवर्नमेंट सिम है, जो कि दोस्तों इसके अंदर नेटवर्क स्पीड तो मुझे पता नहीं है, वो भी दोस्तों अभी मैं आपके सामने डालने वाला हूँ। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मेरे पास यहाँ पर जियो का सिम है, और दोस्तों उसके साथ अभी मेरे पास BSNL का भी सिम आ गया है। तो दोस्तों अभी मैं क्या करता हूँ, इस सिम को इसके अंदर डाल देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपना सिम डाल दिया है, वो भी दोस्तों मैंने नया परचेस किया है। पहले दोस्तों मेरे पास VI का था, लेकिन दोस्तों अब मैं BSNL यूज़ करने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा सिम अभी लग गया है। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं इसका नेटवर्क स्पीड। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अपने मोबाइल का नेटवर्क लॉक खोल देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जियो और BSNL का दोनों के टावर आ चुके हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इनकी स्पीड चेक करनी है। दोस्तों टावर तो दोनों के सेम ही लग रहे हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अब दोस्तों नेटवर्क में कुछ डिफरेंस होगा वो तो दोस्तों मुझे पता नहीं है, वो दोस्तों अभी हम चेक करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों मैं क्या करता हूँ, अपना मोबाइल डाटा ऑन कर लेता हूँ। मोबाइल डाटा ऑन करते ही दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारा जियो का मोबाइल डाटा ऑन हो चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, जियो का ही चेक कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, BSNL का चेक करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, YouTube के अंदर चला जाता हूँ। YouTube के अंदर चले जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 4K क्वालिटी का वीडियो ओपन करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया नेटवर्क चल रहा है जियो का। अभी दोस्तों मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 4K वीडियो सर्च करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 4K वीडियो सर्च कर लिया है। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इसको फुल क्वालिटी के अंदर सेट कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले मैं थोड़ा ऐड को स्किप कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फुल क्वालिटी के अंदर कर लेता हूँ, तब दोस्तों हमें पता चल जाएगा कि नेटवर्क कैसा चलता है। तो दोस्तों यहाँ पर 1080 क्वालिटी है, तो दोस्तों मैं 1080 पे स्विच कर लेता हूँ। 1080 पे स्विच करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जियो दे रहा है फुल HD, यानी कि दोस्तों 4G नेटवर्क, मतलब कि दोस्तों यहाँ पर हमारा 5G भी आ गया है, लेकिन दोस्तों मेरे पास 4G फोन है, तो दोस्तों मेरा 4G यहाँ पर चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी बिल्कुल ही नहीं अटक रहा है, यहाँ पर हमारा फुल क्वालिटी के अंदर नेटवर्क चल रहा है, यानी कि दोस्तों जियो एक ऐसा सिम है कोई भी दोस्तों नेटवर्क नहीं अटकने वाला। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जियो के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क अच्छा चल रहा है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, BSNL के अंदर चेक करते हैं। तो दोस्तों मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको यहाँ से क्लियर करके स्विच कर देता हूँ BSNL नेटवर्क पर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपके सामने स्विच कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 2 नंबर सिम है BSNL का, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर स्विच कर लिया है। अब दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ BSNL नेटवर्क कैसा चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा नेट अभी आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर BSNL का नेट ऑन है, और दोस्तों हमारा BSNL नेटवर्क यहाँ पर आ चुका है। तो दोस्तों आप यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर YouTube को ओपन कर लेता हूँ। YouTube को ओपन करने के बाद दोस्तों सेम वही करता हूँ जो मैंने 4K वीडियो लगाया था, अभी दोस्तों उसको ही मैं क्या करता हूँ, ऑन कर लेता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 4K वीडियो सर्च कर लिया है यहाँ पर। अभी दोस्तों हमारा BSNL नेटवर्क की वजह से धीरे धीरे लोड हो रहा है, मैं क्या करता हूँ इसको
ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा नेटवर्क लोड हो रहा है, बल्कि दोस्तों जियो जैसा फास्ट तो नहीं चल रहा है, बस दोस्तों नॉर्मल तरीके से तो चल रहा है। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, क्वालिटी को थोड़ा हाई कर देता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 1080 पर स्विच कर लेता हूँ। तो दोस्तों अभी हम चेक करने वाले हैं हमारा नेटवर्क BSNL का कैसा चल रहा है। तो दोस्तों अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप हमारा नेटवर्क अभी से ही अटकने शुरू हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा है। अगर दोस्तों आप कहीं सिटी में रहते हैं या पर कहीं अदर लोकेशन में रहते हैं तो दोस्तों शायद वहाँ पर BSNL का नेटवर्क फास्ट चल रहा होगा, लेकिन दोस्तों मैं तो गांव के अंदर रहता हूँ तो दोस्तों मेरे तो यहाँ पर टावर ही नहीं है BSNL का। फिर भी दोस्तों यहाँ पर मैंने BSNL खरीदा है और दोस्तों मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पर BSNL नेटवर्क का। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर BSNL का भी नेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बस थोड़ा थोड़ा तो दोस्तों यहाँ पर चल रहा है, लेकिन दोस्तों हमें कोई ज़रूरत नहीं है 1080 क्वालिटी की, बस हमारा 360 में चल जाए वो भी दोस्तों अच्छा है। क्योंकि दोस्तों BSNL में क्या है, हमारा प्लान सस्ता है, इसके कारण दोस्तों हमें रिचार्ज ज़्यादा करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ नॉर्मल 360 वाला वीडियो ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर क्या करता हूँ वापस कोई दूसरा वीडियो ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि मैं ये वीडियो ओपन कर लेता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक वीडियो ओपन कर लिया है। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ इसकी क्वालिटी थोड़ी कम कर देता हूँ। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ 360 पर इसकी क्वालिटी सेट कर देता हूँ। ज़्यादातर लोग दोस्तों YouTube पर 360 क्वालिटी में ही वीडियो देखते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा क्वालिटी सेट हो चुका है BSNL का। अब दोस्तों हम चेक करने वाले हैं यहाँ पर हमारा नेट चलेगा या फिर नहीं चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 360 में हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा नेट चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों ये सिम आप परचेस कर सकते हैं और दोस्तों इसमें रिचार्ज प्लान भी सस्ता है और दोस्तों आप इसमें आराम से यूज कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।